चरित्र की पवित्रता हर काम में सफल बनाती है। जिसका जीवन संयमी है और सच्चरित्रता से परिपूर्ण है, उसकी गाथा इतिहास के पन्नों पर गाई जाती है। पंजाब के महाराज रणजीत सिंह के प्रधान सेनापति हरि सिंह नलवा का व्यक्तित्व ऐसा ही था। पंजाब के पड़ोसी राज्य काबुल द्वारा बार बार पंजाब के सीमावर्ती इलाकों पर आक्रमण हो रहा था, उसका सामना करने के लिए प्रधान सेनापति हरि सिंह नलवा के नेतृत्व में सेना ने काबुल की ओर प्रस्थान किया। हरि सिंह के शौर्य के आगे काबुली सेना ज्यादा देर नहीं टिक सकी। उनका सरदार हरि सिंह के हाथों मारा गया। काबुली सरदार की पुत्री मेहर खूबसूरत भी थी और वीरांगना भी थी। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहा। उसने सोचा, यदि आमने सामने प्रतिशोध पूरा न कर सकी तो रूप जाल में फंसाकर हरि सिंह को खत्म कर दूंगी। आखिर वह भी युवा है और बहादुर होने के साथ साथ मोहक भी है। उसका प्रचंड पुरुष मेरे रूप लावण्य के आगे टिक न पाएगा। एक दिन उसे हरि सिंह के तंबू का सुराग मिल गया। वो रात्रि के अंधेरे में अकेले ही तलवार लेकर निकल पड़ी। रात्रि का दूसरा पहर बीत रहा था, किंतु हरि सिंह के सैनिक पूरी तरह सजग थे। प्रहरी ने पूछा, इस मध्य रात्रि में इस तरह अकेले क्यों आई हो? मेयर कहती है, तुम्हारे सेनापति से मिलना है। प्रहरी चौंका, इतनी रात में? उसने कहा, तुम सुबह आओ, वैसे भी हमारे सेनापति स्त्रियों से दूर ही रहते हैं, तुम यहां से चली जाओ। मेयर कहती, असंभव, मैं हरि सिंह से मिले बिना नहीं जाऊंगी। तुम उससे जाकर कह दो कि काबुल के सरदार की बेटी मेहर आई है। हरि सिंह ने सुना तो उसे सादर बुला लिया। मध्य रात्रि थी, पूर्ण एकांत था और मेहर की वेशभूषा और श्रृंगार उसे और अधिक मादक बना रहा था, लेकिन हरि सिंह किसी और ही धातु के बने थे। उन्होंने मेहर की ओर एक नजर डालकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटो बहन। हरि सिंह की निश्चल मुस्कान और बहन के संबोधन को सुनकर मेयर के हृदय का सारा प्रतिशोध ठंडा हो गया। वह आश्चर्यचकित होकर बोल उठी, आपने मुझे बहन कहा? हरि सिंह, हां, तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटी हो, इसलिए मेरी छोटी बहन के समान। हमें तुम्हारे पिता के मारे जाने का बेहद अफसोस है, पर तुम हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करो। क्या तुम अपने यहां के लोगों के आतंक से परिचित नहीं हो? हमारी लगातार चेतावनी से भी जब वे बाज नहीं आए तब हमें सैनिक अभियान के लिए विवश होना पड़ा। मेहर इस सत्य से अवगत थी, लेकिन अभी तक उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतना संवेदनशील और उज्ज्वल चरित्र वाला भी हो सकता है, क्योंकि उसके देश में ऐसा असंभव था। उसने नतमस्तक होते हुए कहा, भाईजान, हमने आपकी बहादुरी के बहुत किस्से सुने थे, पर आज जान लिया कि उसका वास्तविक रहस्य क्या है। तब हरि सिंह ने कहा, मेरे ही नहीं, किसी के भी शौर्य का रहस्य उसके उज्ज्वल चरित्र में निहित होता है। वस्तुतः मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति उसका उज्ज्वल चरित्र ही होता है। इति ओम सम।